बार टू फ्रेंड्स एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उन्हें रास्ते में दयनीय स्थिति में एक बूढ़ी औरत दिखी और वह भीख मांग रही थी। फ्रेंड्स में से एक को बहुत दया आई, लेकिन उसके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं होने से अपने दोस्त को पैसे मांगा। तो तुरंत दोस्त ने कुछ पैसे देने से वो पैसे लेकर उसने बूढ़ी औरत को दे दिए और दोनों दोस्त अपने रास्ते में चले गए। कुछ साल बीत गए और दोनों दोस्तों की मृत्यु हो गई और दोनों यम धर्मराज के पास ले जाए गए। उन दोनों में एक को स्वर्ग और दूसरे को नरक भेजना था, लेकिन यम धर्मराज किसको कहां भेजना है संकट में पड़ गया। दोनों दोस्त ने अपने जीवन में किए गए अच्छे कर्म के बारे में यम धर्मराज को बताकर स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को रिकमेंड किया। उस दौरान दोनों ने बूढ़ी औरत को दान देने की बात भी बताया। यम धर्मराज को दोनों में से अच्छे को स्वर्ग भेजना था। बूढ़ी औरत का इंसिडेंट सुनते ही यम धर्मराज ने पहला दोस्त जिसने अपने फ्रेंड से पैसे उधार लेकर दान किया उसको स्वर्ग भेजा। ये देखकर दूसरा फ्रेंड कहने लगा कि अगर वह पैसे नहीं देता तो उसका फ्रेंड दान नहीं कर पाता, पैसे उनके हैं तो वह स्वर्ग जाना चाहिए कहकर झगड़ने लगा। तब यम धर्मराज कहने लगा कि अच्छा और भला इंसान वो होता है जो दूसरों का दुख समझकर मदद करने की कोशिश करता है, वो नहीं जिनके पास सिर्फ पैसे होते हैं। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.